रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें, सोने की कीमतें चांदी की तुलना में इस समय काफी अधिक है। गोल्ड सिल्वर रेशियो फिलहाल 83 के पार है। वहीं जानकारों की माने तो ऐसे में चांदी में निवेश बढ़ेगा और सफेद धातु की कीमतें साल भर में, ये बता दें कि 80,000 से ज्यादा रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। वहीं शुक्रवार को IBJK पर चांदी के दाम 62,788 रुपए प्रति किलो थे। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो बताते हैं कि एक और सोने से कितनी चांदी की खरीदारी की जा सकती है। रेशियो ज्यादा होने का अर्थ है कि सोने की कीमत अधिक है, जबकि रेशियो कम होने का मतलब है कि चांदी महंगी है। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो 62 के आसपास रहता है, जो कि इस समय 83 से ऊपर है, जिसका मतलब है कि एक औंस गोल्ड खरीदने के लिए 83 औंस चांदी चाहिए। वहीं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि बीते 12 मई को गोल्ड सिल्वर रेशियो इस साल के उच्चतम स्तर पे 89 के पार था, जो अब घटकर 83.64 पर आ गया है। इसका मतलब है कि चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। ये तेजी अभी जारी रहेगी, इसके चलते साल भर में चांदी, बता दे कि 80,000 से ज्यादा रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। वही सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी के दाम बढ़ने की कई वजह है। सोने की ऊंची कीमतों के चलते लोग निवेश के लिए चांदी का रुख कर रहे हैं। वहीं बता दें कि गोल्ड प्लेटेड सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड बढ़ गई है। चांदी की वैश्विक मांग इस साल 34,750 टन के रिकॉर्ड पर पहुंचने की उम्मीद है। ज्वेलरी डिमांड में 11%, जबकि चांदी सामानों की मांग में 23% ग्रोथ का अनुमान है। इसके अलावा सोलर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मांग में 12% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि चांदी की माइनिंग एक दशक से लगभग स्थिर है। वहीं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि साल भर की बात करें तो चांदी ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब इसमें तेजी आ रही है। इसकी वजह से गोल्ड महंगा होने से ज्वेलरी सेक्टर में सिल्वर की डिमांड बढ़ी है, साथ ही इसकी इंडस्ट्री डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। वहीं लगभग चांदी 85,000 से 90,000 का आंकड़ा छू सकती है। तो ये थी बात चांदी की, कि चांदी में निवेश बेहतर रिटर्न दिला सकती है। गोल्ड सिल्वर रेशियो 83 के पार पहुंच गया है। वहीं 85,000 रुपए तक ये जा सकती है चांदी की कीमत।